वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और जैसे कि हम आप देख रहे होंगे कि हम लोग अभी घोघरा महादेव टेम्पल में आ चुके हैं। मेरे बैक साइड में घोघरा महादेव टेम्पल है और आज हम आए हैं हमारे फ्रेंड के साथ शुभम भाई, और ये भी शुभम भाई और लोगों के साथ हम जा रहे हैं नदी की ओर महादेव टेम्पल। और अभी हम लोग पार्किंग में आ चुके हैं, पार्किंग में हमने गाड़ी पार्क कर दी, पार्किंग काफ़ी अच्छा लोकेशन है गाइस। तो चलिए, तो ये देखिए गाइस, हम लोग पहुंच चुके हैं घोघरा महादेव टेम्पल। ये यहाँ की छोटी सी नदी, काफ़ी प्यारा लोकेशन है, काफ़ी अच्छा लोकेशन है। फैमिली के साथ, फ्रेंड के साथ आप कैसे भी आ सकते हैं। यहाँ पर पारशिवनी से सीधा ही रास्ता अंदर की ओर आता है घोघरा महादेव टेम्पल। लोकेशन में डालकर आप आ सकते हैं या किसी से भी पूछकर आप सीधा ही आ सकते हैं। नागपुर से 42 किलोमीटर की दूरी पर पारशिवनी के आगे ये टेम्पल है। और ये देखिए गाइस, नया कुछ एक्सपीरियंस कर रहे हैं लोग नदी के अंदर बैलगाड़ी चलाकर और पानी में बैलगाड़ी के साथ रेत में। ये देखिए और ये भाई नदी में से बाइक लेकर जा रही है, देखिए। और भाई ने अपनी गाड़ी नदी के बाहर निकाल ली। इन लोगों को देखने के बाद हम लोग भी ऐसा सोच रहे हैं कि हमें भी नदी में एक डुबकी तो लगाना ही चाहिए। क्या बोलते गाइस, चल दे। मैं तो जूता निकालूंगा भैया। अबे कपड़े, हर कपड़े हमें चेतन जी ने बताया नहीं था कि यहाँ पर नहा भी सकते, नहीं तो हम लोग पहले से कपड़े लेकर आते थे। इच्छा तो बहुत है नहाने की, लेकिन कपड़े नहीं है। देखते और ये हमारे चेतन भाई ने शूज निकाले दर्शन करने के लिए, हम लोग जा रहे हैं। ये शुभम भाई ने भी निकाले, साइड पर रख दिए। और दूसरे शुभम भाई सोच रहे निकालू के नहीं। तो गाइस, हम लोग आ चुके हैं नाग मंदिर।
शुभम भाई ने बोला है उधर चलने के लिए। देखिए आगे एक तालाब और डोके जैसा दिखाई दे रहा है, काफी अच्छा व्यू यहाँ से दिखाई दे रहा है हमें। तो चलिए तो गाइज हम लोग पहुंच चुके हैं घोघरा महादेव टेम्पल। घोघरा के नाम से यह स्थित ये गांव काफी अच्छा लोकेशन है। पर्ची ना मार लिया नहीं बताए जाओ दे कोई बात नहीं। यहाँ मंदिर का काम शुरू होने वाला है ऐसा बता रहे हैं महाराज। काफी जल्दी यहाँ एक अच्छा निर्माण कार्य और मंदिर का काम इकड़ून जाऊगा था आमचे शूज इतना है भाऊ असा आएगा। भाऊ ने हमें जाने के लिए परमिशन दे दी। अरे चेतन भाई अपने सेल्फी में लगे हुए पीछे। अरे चांगला दिसीन तू किती आसत। तो चलिए गाइस अब हम लोग नीचे की ओर जा रहे हैं। पानी में थोड़ा भाई आप ऊपर क्यों नहीं आ रहे शुभम भाई हा? और ये शुभम भाई के पैर देने लग गए इतने जल्दी। और ये भाई ने नीचे से ही दर्शन कर लिए। पहले थोड़ा ट्राई कर लेके देख के लोगों को तुम मिले पाऊन घेतो ना एवढं तू आली नाही। एक मिनिट पामल पाऊ द्या मग तुम्ही फोटो क्लिक करा। तो गाइज हम लोग अब ऊपर की ओर आ गए और ये देखिए अबे रिस्क घेणं हे लोक तर गेले तिकडं इथूनच गेले असतील उधर से भी है उधर से तो गाइस हमें इस साइड से उधर जाने के लिए परमिशन नहीं है। खतरा है सावधान रहिए खतरा खतरा खतरा। अब हम लोग जा रहे हैं हाँ बैक टू अवेलेबल यही से जाता हूँ बड़ा कसा आहे तिकडं काही आहे का पाहिले का कैसा आहे मतलब ये पहाडी पहाडी आहे और काय देखने के लिए। तो जैसे कि आपने सुना होगा भाई ने बताया कि सिर्फ नदी है जो हमें यहाँ से ही दिखाई दे रही है। बड़े प्यार से बताया भाई ने पत्थर और नदी करके। तो अब हम लोग जा रहे हैं बैक साइड मंदिर के। हाँ धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं।
ना अपन नहीं लेंगे इतना बड़ा रिस्क। तो गाइस ये देखिए अच्छा फील हो रहा है। तो ज्यादा रिस्क नहीं लिया हमने। और ये एक्सीडेंट ना हो इसीलिए हमने वो रास्ता छोड़ दिया और हम लोग इसे दिखाइए एसके क्रिएशन। हाँ ले लूंगा। तो ये भाई हमें अरे क्या बात है क्या बात है। तो अभी अभी हमें एक छोटे बच्चे ने बोला आप सुन रही होंगे तो जरूर करें क्या आपका चैनल है यूट्यूब पर। तो हमने कहा हाँ और चैनल सब्सक्राइब की रिक्वेस्ट भेजी भाई की ओर से। तो यार प्लीज ऐसे वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। यही बटन आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ये देखिए भाई ने बताया काफी अरे जूते इधर ही रख देंगे ना। हाँ वो जूते काफी रश है गाइस। ये देखिए आप गाइस अब हम लोग फोटो शूट करने के लिए फिर से एक बार ऊपर की ओर आ चुके हैं मंदिर के राइट साइड में। ये देखिए शुभम ने अपना कैमरा अपने हाथ में ले लिया। कैमरा लेकर हम लोग आ चुके हैं पत्थर की ओर और अब हम लोग फोटो शूट करने वाले हैं। तो क्या बोलते हैं लो ना तो निकालो ना कैमरा। और ये शुभम भाई ने अपना कैमरा ले लिया अपने हाथ में। चलो फोटो शूट करते यार काफी धूप है गाइस। तो गाइस काफी टफ रास्ता है ये देख सकते हैं आप पूरे पत्थर ही पत्थर दिख रहे हैं चारों तरफ और हम लोग को रोड क्रॉस करना मतलब सॉरी ये पहाड़ क्रॉस करना है। इस साइड से उस साइड दिख रहा होगा आपको ये रेत वाला शहर आगे दिख रहा है राजस्थान। ये देखो हमारे दोस्त लोग पहुंच चुके हैं। काफी टफ है यार कैसे जाए। और फाइनली शिवम भी अपना रास्ता तय कर चुका है लेकिन मैं ही अकेला फंस चुका हूँ। देखते हैं कैसे काफी रिस्क लेना पड़ रहा है गाइस। ये देखिए और ये गाइस देखिए हमने अपना
रास्ता तय कर लिया। कैमरा कैमरा भी है गाइस गले में, काफ़ी टफ है। फिर एक क्रॉस करके आए हैं और ये हमारे दोस्तों हंस रहे हैं मेरे पर। ये तो हड्डियाँ टूटे बिगड़ नहीं रहेंगी और ये नीचे से आने की क्रिश नहीं है। अपन इतने दूर से कूद के आ जाएंगे। तो ये सिंपल सा रास्ता हमने लिया है और ये चेतन जी ने मुझे हाथ दिया। चेतन जी धीरे से 1 2 3 और ये हवा का झोंका सातों में। तो यार इतना स्लिप, इतना सिंपल रास्ता छोड़ के अपन इतना हार्ड रास्ते से आ रहे, देखिए मजा आ रहा है। अरे तो मुझे और ये गाइस ठीक कर, ट्रैकिंग करने में काफी मजा आ रहा है, दोस्त लोग काफी एंजॉय कर रहे हैं। इधर से जाएंगे और ये चेतन जी ने कहा इधर से जाएंगे और ये सामने नदी का नजारा रेगिस्तान में। और ये देखिए काफी रेत है यहाँ पर। और ये शुभम रेत वाले शहर में लटक चुका है। और ये देखिए गाइस रुका हुआ पानी, नहीं नहीं अच्छा नहीं लग रहा है अपने को, आगे चलते हैं अपन। और काफी स्ट्रगल करने के बाद हमें कामयाबी हासिल हुई। एक पहाड़ हम लोग चढ़ के उस पार से इस पार आए। कोई भी शोर नहीं आ रहा होगा आपको, कोई भी चिल्लाने की आवाज़ नहीं आ रही होगी क्योंकि हम काफ़ी दूर आ चुके हैं। सारे लोग पीछे छुप गए। हाँ ये देखिए काफ़ी क्लीन पानी दिख रहा है ये। और चेतन को यहाँ पर हम मच्छी दिखे कौन सी फिश है वो, और ये पाइथन तिथा डोहा संधा ते गड्डे चंद एवढे मोठे मोठे माहित आहे का। हाँ नाही तसं नाही अंदर ही असं। और ये भाई बोल रहा है कौन सा आएगा, कुछ भी हो सकता है। तो गाइस ये देखिए, अबे अबे तिकडून कुठे चालला तू। हाँ तो ये चेतन अभी यहाँ से जंप करने वाला है। हाँ तो कम ऑन चेतन। और ये चेतन ने जंप कर लिया। और ये हमारा शिवम भाई देखो काफी धीरे से आरामात पैसे पाण्यात पडशील कैमेरा घेऊन। तो ही सिंपल रास्ता है, तो ही सिंपल। अच्छी हवा चल रही है, बहुत देर से हम लोग ट्रेकिंग कर करके थक चुके हैं। यहाँ से वहाँ तक ये देख सकते हैं आप, पूरा यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है वो, हम लोग इस पहाड़ के पीछे से आए हैं ऊपर चढ़ के। और ये आपको दिखाई दे रहा होगा आगे मंदिर, ये मंदिर है यहाँ से देखिए। ये इतना ट्रैकिंग करके हम लोग थक चुके हैं, पेड़ ने हमें छाव दी। क्या लगा तो शुभम भाई ने हमें एक झाड़े लावा आणि झाड़े जगवा असं एक काय दिला संदेश दिलेला आहे या ठिकाणावर येऊन। असा हा संदेश खूपच आश्चर्यजनक असं वाटतंय, झाडांची फार कमतरता इथे भासतंय। कृपया एक तरी झाड आपल्या हाताने इथे लावून जावे चेतन। आणि हा चेतन हा संदेश समोरपर्यंत पोहोचला पाहिजे, खूप गरजेचं आहे इथे झाडांची। पाणी खूप गरम होत आहे म्हणून। तर चला ठीक आहे, आता आम्ही हिंदी बोल मधून स्टार्ट करताय।
तो गाइस हम लोग आ चुके हैं, अरे भाऊ मनते फोटो में तो वाली यार मनते है, अरे भाऊ कितनी स्मार्ट दिखता है तू उड़ा यार। हाँ तो भाई ने हमें साफ मना कर दिया फोटो मत निकालो। अभी हम लोग गोगरा महादेव में फिंगर उठा के ये नाश्ता करने के लिए बैठे हैं। यहाँ पर क्या खाता हो अपन नंतर का खाता हूँ? ये झुनका भाकर बहुत ज़्यादा फेमस है, झुनका भाकर गोगरा महादेव में, तो वही खाने के लिए अभी हम लोग टेबल पर बैठे हैं। ये देखिए काफ़ी अच्छा इन्होंने ऐसा ताड़पत्री लगा कर दिया है। अभी तक हमें नहीं पता कि कितने रुपए प्लेट है, जैसे हमें पता चलता है हम आपको आप लोगों को बता देंगे कि क्या प्राइस है झुनका भाकर का। फिंगर तो अभी हमें दिया गया है 10 रुपये के 7 पीस, और ये सभी लोगों ने एक एक खा लिया। ये देखिए काफ़ी क्रंची है, फिंगर में तेल ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा तेल है जो हम भाई ने बताया था। तो हमने बताया है झुनका भाकर 2 प्लेट, पहले खाकर देखेंगे टेस्ट कैसा है, अच्छा लगता है तो और लेंगे। तो अब हमें भाई ने देख लिया और बोल रहे हैं कि अब हमारा काडून टाक फोटो मराठी मधी अच्छा तो आता भाऊले माहित झालं का आपण व्हिडिओ च युट्यूब च व्लॉग बनवत आहोत, नाही फोटो नाही काढतो, फोटो काय काढतो चांगली नाही कौन गे इकडे। हां युट्यूब चॅनल आहे का? हां युट्यूब चॅनल आहे, काय नाव आहे? हे वेस्ट केक एक हां अच्छा एक सबस्क्राइबर आम्हाला इथेच भेटला। हाय फ्रेंड्स, ये रहा हमारी झुनका और भाकर, एक प्लेट आ चुकी है झुनका भाकर, काफ़ी रोमांचक भरा एक करी पानी टूट रहा है। तो टेस्ट करके देखते हैं गाइस कैसा टेस्ट, और आप लोगों को भी बताएंगे। आइए दोस्तों खाते हैं। गाइस काफ़ी गर्म हो चुके थे हम लोग यहाँ रुक में, तो इसलिए अभी हम ये बेटा ये आप देख सकते हैं अच्छा फील हो रहा है। एक एक करके बॉटल घूम रही है गोलू। फेंटा पीने के बाद हम लोग जाने वाले हैं नदी में। अब हम आ चुके हैं नदी की ओर, ये देखिए काफ़ी अच्छा पानी दिख रहा है, काफ़ी क्लीन दिख रहा है, हम आपको पास से भी दिखाएंगे। आइए हम लोग ने अपना अपना पैंट काफ़ी कमी काफ़ी पानी खराब आ गया, और मैं अपना कैमरा ऊपर उठा लेता हूँ, पता चल रहा है गीला हो गया है। आहा, ये देख सकते हो आप, ये सुनो है के पैर और ये मेरे पैर अवे रे हमारे शुभम भाई पानी में आगे बढ़ते हुए, और ये छोटे गोवे जैसा नजारा, छोटे बच्चे बड़े अच्छी तरीके से एंजॉय करते हुए, कैमरा है और पता चल रहा है कैमरे के दोस्त। अच्छा फील हो रहा है, पैरों में गुठली सी हो रही है नीचे, और भैया ने भी इस पार भी आ सकते हैं, फ्रेंड्स के साथ भी आ सकते हैं, और पिकनिक के लिए काफी अच्छा स्पॉट है गाइस। ये देखिए गाड़ी, अभी हम आपको थोड़ी देर में देखने को मिलेगा, ये गाड़ी अब यहाँ से ऐसे नदी से होते हुए इस पार आने वाली, और छोटे बच्चे एंजॉय करते हुए, और ये सारे बच्चे देखिए। और ये गाइस कैसे वो गाड़ी अपनी नदी से इस पार से उस पार लेकर जा रहे हैं, ये देखिए। अब बारी है भाई स्कूटी वाले की, स्कूटी वाले भैया काफी डरे हुए हैं दिखाई दे रहे हैं हमें, देखिए उन्होंने अपने जूते पहले ही ऊपर निकाल के रख दिए और अब बैठे अपने गाड़ी पे तैयारी कर रहे हो रूट तैयार करने। और स्कूटी वाले भैया तैयार हो गए।
तो काफी एंजॉय कर रहे हैं हम लोग गाइज ये खोगरा महादेव टेम्पल में। ये तो गाइज ये देखिए हमारे पैंट गीले होने पर आ चुके हैं। ये पानी का स्पीड काफी स्पीड में आ रहा है, ये पानी बहते हुए पानी इधर से बहकर आ रहा है और ये मंदिर की ओर जा रहा है। ये देखिए और इतना रश है यहाँ पर, ठंडे भी है और काफी रश होने की वजह से और ज्यादा अच्छा लग रहा है। सारे बच्चे पानी में खेल रहे हैं। देखिए आप भी आइए गाइस, ऐसे ही नए नए वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और घंटी भी बजाइए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मेरे तो ऐसे पानी आ रहा आगे पलटाओ, टन गए आगे पलटाओ पलटाओ। तो गाइस काफी अच्छा एक्सपीरियंस है ये, हमें पानी में बैल बंडी चलाने को मिल रही है नदी में। हाँ और ये स्टॉप खत्म हो गया हमारा। तो अभी अभी हमने बैल बंडी की सवारी की, ये देखिए नदी में काफी अच्छा एक्सपीरियंस है ये नदी में। मजा आ गया। बैल बंडी की सवारी करने फोटो का आप भी आइए, आप भी ऐसे सवारी कीजिए। 50 रुपए में दो पेयर है ना, दो लोगों को उन्होंने बैठाल कर एक राउंड मार कर दिया। तो यहाँ ज्यादा पानी है भाई, पैंट गीला हो गया तो कम पानी में चलो। तो अभी हम लोग ज्यादा पानी में आ चुके हैं, अब हम जा रहे हैं कम पानी में। हाँ तो अपन सेल्फी निकालने वाले थे, तो अभी हम बनाने वाले हैं इंस्टाग्राम रील तेरी झलक सेल्फी, जो काफी ट्रेंडिंग में चला था। और ये शुभम भाई ने लिया अपने हाथ में कैमरा फोटोज क्लिक करने के लिए, और ये अभी फोटो क्लिक करने वाले हैं। देखिए तो काला काला आ रहा बोलते गाइस, हमने यहाँ पर काफ़ी रील्स बनाई, काफ़ी एंजॉय किया। अब हम लोग जा रहे हैं घर की ओर, तो काफ़ी मेहनत लगती है हमें यूट्यूब पर ये वीडियो अपलोड करने के लिए। तो प्लीज़ गाइस लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही नए नए वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। क्या बोल रहे थे भाई? हम आप लोगों के साथ जुड़ते रहेंगे हमेशा। तो चलो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।